हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी वो ईयर सर्जरी के ऊपर, अपनी जो मेरी ईयर सर्जरी हुई थी उसके ऊपर डाली थी, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो सके कि ईयर सर्जरी में होता क्या है। तो जैसे मैंने कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 7 डेज़ बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया है। तो देखिए, आज मैं गया था और जो पहले मेरा जो पूरा ये हिस्सा जो कवर था पट्टी से, तो देखिए अभी खुल चुका है पूरा। और जो पीछे जो बैक साइड में, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन बैक साइड में टांके लगे हुए थे वो टांके अब कट चुके हैं। और ये जो दवा लगाने के बाद डॉक्टर ने जिस पे धूल मिट्टी ना हो इस वजह से एक पट्टी लगा दी, और कान में रुई लगाई हुई है, ठीक है। और ये जो रुई है ना, ये तो सिर्फ बाहर है, एक अंदर तक जो है, यहाँ तक कान का पर्दा होता है वहाँ तक रुई है एक। और इसीलिए डॉक्टर ने दवा चलाई है, मतलब अभी और दवा दी है चेंज करके, और 7 दिन बाद फिर से बुलाया। क्योंकि जो ड्रॉप कान में डलेगी उस ड्रॉप से क्या होगा, जो रुई है अंदर वाली वो धीरे गल गल के बाहर निकलेगी। और उसका जब 7 डेज़ बाद जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो डॉक्टर उसको कान को अंदर से साफ़ करेंगे बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक जो ईयर सर्जरी वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो तो हो जाता है। उसके बाद जो है कंटिन्यू कम से कम 2 से 2.5 महीने तक दवा चलती है आपके साथ, 3 महीने भी चले, 4 महीने भी, जब तक कि कान की आपकी जो आवाज़ होती है शाएँ शाएँ वाली या फिर तरह तरह की आवाज़ होती है वो तब तक बंद नहीं हो जाती है। जब तक मतलब पर्दा पूरी तरह पक नहीं जाएगा तब तक आपकी दवा चलेगी कंटिन्यू। तो बस वही है, अब 7 डेज़ बाद बुलाया, उसके बाद फिर से दवा चेंज होगी, फिर से जो भी प्रॉपर एक दवा चलती रहेगी। तो जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आशा करता हूं कि आप सही होंगे सभी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो वैसे आपके लिए नॉलेजेबल होगी, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं यार कि सर्जरी हो रही है तो पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि सर्जरी ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं करती है, क्योंकि कान थोड़ा पूरा ये जो इतने भी हिस्सा होता है वो सुन कर देते हैं। तो देखते हैं, चलो अब नेक्स्ट 7 डेज़ जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो उसके बाद देखते हैं क्या अपडेट मिलता है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, और तब तक के लिए जय हिंद।